नमस्कार, मैं शारदा, शारदास किचन में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वीट डिश, जो कि महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल डिश है, यानी कि पुरणपोली। त्योहारों में ज़्यादातर लोग बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साइड का बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलते हैं रेसिपी की ओर। ये यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चना दाल लिए, दो पानी से धोकर लिए मैंने। इसमें हम पानी डालेंगे। ये दाल के ऊपर पानी आना चाहिए। इसे हम अभी कुकर में रखने वाले हैं। कुकर मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रखा था। इसे हम प्लेट से ढककर रखेंगे। से हम 6 सीटियां हम निकाल लेंगे। अब हम आटा गूंद लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा और थोड़ा सा तेल ऐड करना है हमें, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डालना है। तेल और नमक को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आटा अच्छी तरह से गूंद लेना है हमें। आप चाहे तो इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हो थोड़ा सा, लेकिन गेहूं के आटे से भी अच्छी बनती है। ये हल्का सा तेल का हाथ लेना है और इसे अच्छी तरह से इसे गूंद लेना है। ये देखो हमारा आटा अच्छी तरह से बन गया है। इसे अब हम थोड़ी देर के लिए ढककर रखेंगे। ये कुकर अब ठंडा हो चुका है। अब हम दाल को बाहर निकालेंगे। अगर आप चाहो तो खुले कुकर में भी डाल सकते हो। ये मेरे पास ऐसी छन्नी है, ये हम दाल निकालेंगे। इसमें का पानी जो है पूरी तरह से निकाल लेना है। अभी हम दाल में चीनी डालने वाले हैं। पानी पूरी तरह से निकल गया है। 250 ग्राम दाल ली थी मैंने, तो 250 ग्राम ही चीनी हमें डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते, थोड़ा कम डालिए। ये इसमें अब हम इलायची और जायफल का पाउडर ऐड करेंगे। बनाते समय डालें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और स्वादिष्ट बनती है। ये आप देख सकते हो चीनी और दाल अच्छी तरह से मिक्स हो गए। ये ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, नहीं तो पूरन पूरी हमारी फट सकती है। अभी हमारा पूरन बन गया है, गैस बंद कर देना है। ये मेरे पास पूरन बारीक करने का पॉट है। अगर आपके पास नहीं तो आप छन्नी की सहायता से भी कर सकते हो, नहीं तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हो। हम ये पॉट में ले लेंगे। एक गरम गरम ही पीसना है, ठंडा होने के बाद नहीं अच्छी तरह से नहीं बनता। इस प्रकार से हम सारा पूरन बारीक कर लेंगे। यह हमारा पूरन रेडी हो गया है। इसे 10 मिनट तक ठंडा होने देना है। यह हमारा पूरन अभी ठंडा हो चुका है। अभी हम आटे के 5-6 गोले बना लेंगे। गणेश चतुर्थी, गौरी, दिवाली, दशहरे के टाइम पे ज़्यादातर लोग पूरनपोली ही बनाते हैं। ये बेलन की सहायता से हम थोड़ा गोल बेल लेंगे और इसमें हम पूरन स्टफ कर लेंगे। इस तरह से ऊपर का आटा निकाल लेना है और इसे हमें बेल लेना है।
थोड़ा आटा लगाएंगे, इसके ऊपर भी थोड़ा आटा लगाएंगे ताकि हमारी रोटी नीचे से चिपक ना जाए। इस तरह से हम हाथ के ऊपर भी ऐसा गोल बना सकते हैं और इसमें पूरन स्टफ कर सकते हैं। इस तरह से स्टफ करना है हमें। ये ऊपर काटा निकाल लेना है। ये साइड में मैंने पहले से ही पैन गरम करने के लिए रखा था, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। और ये पूरन पोली सेक लेंगे। ये हम नीचे बेल लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया डिश है, आप जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। इसे हमने पलट दिया है, दूसरी साइड से भी हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। दोनों साइड से अच्छी तरह से घी लगा लेना है। घी के साथ बहुत ही बढ़िया पूरन पोली लगती है। ये इसे हम निकाल लेंगे, दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक गई है। अब हम सारी रोटियां इस तरह से बनाकर सेक लेंगे। इसे हम पलट देंगे। इतने पूरन और आटे में 10-12 रोटियां अच्छी तरह से बन सकती है। बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट बन गई है। आप भी इस तरह से ऐसे बनाकर खाइए और स्वस्थ रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।